हेलो फ्रेंड, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मुझे वो लोग बोल देते हैं कि तुम जाओ अंदर और जाके बोलो मैं गेट तक जाती हूँ, और वहाँ से वो वॉचमैन जो होता है वो मुझे मना कर देता है, कहता है आई एम सॉरी मैम बट मैं अंदर नहीं जाने दे सकता आपको, क्योंकि सख्त मना किया है सर ने। जब मैं वहाँ से लौटने लगती हूँ तो ज़ारा मुझे बहुत गुस्से में देखती है और मुझे इशारा करती है कि अंदर जाओ। मैं उसको ऐसे इशारा करती हूँ, कैसे जाऊँ, मना कर रहा, कहती मुझे नहीं पता, जाओ अंदर। मैं राम का नाम लेती हूँ और फिर से जो है मुड़ती हूँ। मुड़ने के बाद सोचती हूँ यार ये जाते तो नहीं दे रहा, ऐसा क्या तिकड़म लगाऊँ कि अंदर जाने दे। यही मैं सोच ही रही होती हूँ तो मुझे जो है मानवी की झलक मिलती है एक ऊपर से, जब वो अपने रूम में टहल रही होती है तब। तो जब मुझे उसकी झलक मिलती है तो मैं सोचती हूँ यार ये तो यही है, कहीं से कुछ तिकड़म लगा के जाऊँ क्या। फिर मैं कहती हूँ नहीं, पकड़ी गई ना ससुराल पहुँचा देंगे, वहाँ नहीं जाना कुछ भी हो जाए। ये सोच के मैं वो आइडिया कैंसिल कर देती हूँ और फिर से सोचने लगती हूँ कि ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अंदर तक ईज़िली पहुँच जाऊँ और ये मुझे खुद जाने दे। तो वो कहता है आप अभी तक गए नहीं, आपको बोल दिया ना कि आप अंदर नहीं जा सकते हो किसी भी हालत में। मैं कहती हूँ ठीक है भाई मत जाने दे, मैं तो उसके कॉलेज से आई हूँ उससे मिलने के लिए, उसे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। अब तुझे नहीं जाने देना तो तेरी मर्ज़ी है, अगर उसके पापा को ये बात पता चली कि भाई तूने मैं कॉलेज से आई हूँ और तूने मुझे नहीं जाने दिया तो तेरी नौकरी तो वैसे भी गई। मैं तो तेरे ही भले के लिए कह रही थी, अब तुझे जब नहीं मानना है तो मत मान यार, मैं क्या करूँ, तेरी बात तू जाने, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। देख ले मैंने तो तुझे बोला कि एक बार फ़ोन करके देख ले मानती है कि नहीं मानती, लेकिन तुझे नहीं मानना तो ठीक है भाई तेरी मर्ज़ी है, क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। अब मानवी के पापा तुमको जॉब से निकालेंगे तो मेरा क्या जाएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा यार, अब तू अपने आप देख ले तुझे क्या करना है। सो ठीक है यार जाती हूँ मैं, मुझे तो वैसे भी मानवी ने ही कॉल करके बुलाया था। तो ये कह के मैं वहाँ से जाने लगती हूँ तो वॉचमैन थोड़ी देर सोचता है और मैं तिरछी निगाह से उसको देख रही होती हूँ कि अबे यार बुला ले यार मेरे को, अंदर क्यों पनौती बन रहा है। तो वो जो है कहता है एक मिनट रुकिए मैम प्लीज़ एक मिनट रुकिए। तो मैं एक मिनट रुकती हूँ और वो फ़ोन करता है अंदर, तो उसके मम्मी या पापा कोई फ़ोन उठाते होंगे क्योंकि वो तो नज़रबंद है हमारी मानवी, तो वो फ़ोन उठाते हैं और वॉचमैन उनसे बातें करता है, कहता है कि यहाँ मानवी की कोई फ्रेंड है वो मिलने आई है मानवी मैम से, तो मैं उनको अंदर भेज दूँ। तो कहते हैं कि वन सेकंड रुको मैं वीडियो कॉल करता हूँ, दिखाओ मुझे कौन है। तो वो वीडियो कॉल करते हैं और मुझे देखते हैं, तो मुझसे वीडियो कॉल पे पूछते हैं कुछ चीज़ें कि मानवी को कैसे जानती हो, तो मैं बताती हूँ किस कॉलेज में है वो और इस सेमेस्टर में, तो कुछ कॉलेज की इन्फॉर्मेशन थी तो इसलिए मुझे फ़ोन करना आना पड़ा यहाँ पे। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मुझे मानवी से मिलना है, वो कॉलेज की कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसको देनी है। तो फिर वो वॉचमैन से कहते हैं भेज दो अंदर, तो वो कहता है ठीक है सर और मुझे अंदर भेज देता है। भाई जैसे जैसे मेरे कदम उस घर की तरफ बढ़ रहे थे मेरे दिल की धड़कन भी साथ साथ में बढ़ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या कहूंगी। डर के मारे हालत ख़राब थी, लेकिन जब उसके बारे में सोच रही थी तो ये लग रहा था कि जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं, अब तो ओखल में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना है। तो ये सोच के फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और घर के अंदर जाती हूँ, तो उसके पापा ही आके गेट ओपन करते हैं और कहते हैं आओ अंदर। तो मैं अंदर जाती हूँ, बैठती हूँ वहाँ पे और
मैं कहती हूँ कि अंकल मुझे थोड़ा जल्दी जाना है वापस, तो मुझे भी अपने असाइनमेंट्स कुछ रेडी करने हैं, आप मानवी से मुझे जल्दी मिलवा दें तो अच्छा है ना, प्लीज़। तो अंकल बहुत देर तक मुझे बड़े ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो, वो भी मानवी की क्लास में। तो मैं कहती हूँ कि उनकी तरफ देखती हूँ और फिर अपने मन में सोचती हूँ कि यार मेरे एज में और मानवी के एज में फ़र्क है, अगर मैंने कुछ बोला क्या बोलूँगी। कहती हूँ कि हाँ मैं उसकी क्लासमेट हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा, तो कितनी बार फेल हुई हो उस क्लास के अंदर? भाई घनघोर बेइज्जती थी मेरी, घनघोर बेइज्जती जिसे बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हाँ वो दो बार फेल हुई हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा तभी? मैं कहती हूँ कि जी। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं मानवी को बुला देता हूँ, तुम मिल लो, वो अभी रेस्ट कर रही है। तो मैं कहती हूँ कि आप उसे रेस्ट करने दीजिए, मैं अंदर ही जाके मिल लेती हूँ। तो कहते हैं कि क्यों, कोई इशू नहीं है, मैं बुला देता हूँ, आ जाएगी वो। कहती हूँ आप उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं जाके अंदर मिल लेती हूँ ना उससे। तो कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें कोई इशू नहीं है, और वैसे भी वो यहाँ आ जाएगी तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हम लोग भी बस अभी लंच करने जा ही रहे हैं, तो वो भी नीचे आएगी ही, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब भाई मैं फंस जाती हूँ कि इनके सामने मैं बात कैसे करूँगी मानवी से, और मानवी एकदम से मुझे देख के रिएक्ट ना कर दे कुछ, तो इस बात से मैं और घबराई हुई होती हूँ कि वो एकदम से कुछ रिएक्ट करेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कहते हैं ठीक है मैं बुलाता हूँ उसको। अब तो भाई मेरे पास सिर्फ भगवान राम का नाम लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वो जाते हैं मानवी को बताने के लिए। वो गेट ओपन करते हैं, तो फिर गेट ओपन करते करते वो वापस आते हैं और मेरे से कहते हैं आपका नाम क्या है? आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं, मैं मानवी को बताऊंगा क्या? तो मैं कहती हूँ कि जी स्नेहा नाम है मेरा। कहते हैं अच्छा अच्छा आप स्नेहा हो? कि जी वैसे आप स्नेहा हो जी। अब मैं और डर जाती हूँ कि कहीं इन्होंने स्नेहा को देखा ना हो भाई, मेरा झूठ मेरे ऊपर हावी हो जाए। तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बुलाता हूँ, और फिर वो मानवी को बोलते हैं कि गेट खोलते हैं और कहते हैं मानवी। तो मानवी रूम में बैठी हुई होती है, कहती है पापा बहुत हो गया आपका, पूरा दो दिन हो गया आपको मुझे कमरे में बंद किए हुए, आपने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है बिल्कुल, मुझे जो है निकालो कमरे में से। तो कहते हैं कि वही करने आया हूँ तुम्हें, तुमसे कोई मिलने आया, तुम्हारी कोई कॉलेज फ्रेंड। कहती मुझे नहीं मिलना किसी से। कहते हैं कि जाओ मिल लो वो, कहते हैं कि बोल दिया ना मुझे नहीं मिलना। कहते हैं वो कॉलेज की कुछ बात बताने आई है, कुछ इम्पोर्टेंट है। तो कहती है बोला मैंने मुझे नहीं मिलना, आप क्यों नहीं समझते हो कोई बात, कौन है? तो कहते हैं कि कोई स्नेहा है। कहती स्नेहा आई है यहाँ? कि हाँ। वो क्यों आई है? स्नेहा की तो मुझसे बनती नहीं है एक मिनट को, वो मुझे बता यहाँ पे जो है क्या बताने आई है, वो तो चाहती है मैं कॉलेज में फेल हो जाऊँ। और जब उसके पापा ये सुनते हैं तो उनका तो दिमाग ही चकरा जाता है कि फिर ये कौन है जब स्नेहा इसको पसंद ही नहीं करती। तो और इधर मेरी लंका लगने वाली थी अच्छे से मानवी मैडम की वजह से। तो कहते हैं कि जाओ फिर भी देख लो, तुम देखो मिलो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, तुम नीचे चलो मैं अभी आता हूँ। तो कहते हैं अब आप क्यों नहीं आ रहे, अब क्या खिचड़ी पकाने जा रहे हो आप? कहते हैं बोला ना तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। तो
वो कहती है मुझे नहीं मिलना है किसी से, कहते हैं वो आइए इतनी दूर से जाके मिल लो। तो वो ऐसे मेरे ऊपर उसके ऊपर एकदम से चिल्ला पड़ते हैं, तो वो मन मार के आ जाती है बाहर। और जब उसकी नज़र मुझ पे पड़ती है ऊपर से ही, तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और मेरी तरफ कहती है कि नीचे आती है। फिर एकदम से दौड़ती हुई तो उसके पापा की नज़र उस पे पड़ती है और वो कहते हैं कि अभी तो स्नेहा से इसको बहुत प्रॉब्लम थी और अभी उसको देख कैसे दौड़ती हुई जा रही है। ज़रूर दाल में कुछ काला है, जितना आसान मैं समझ रहा था इतना आसान है नहीं। ये कोई इसकी फ्रेंड नहीं है, ये मुझे लग रहा है उस लड़की की फ्रेंड है। अगर मानवी को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा, सीरियसली बवाल हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके रोकना होगा, बट कैसे रोकूं? कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं रोका तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मानवी मेरे अगेंस्ट हो जाएगी एकदम से। तो वो ऐसे सोचने लगते हैं और तुरंत किसी को फ़ोन करते हैं और मेरे बारे में सारी जानकारी निकलवाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ। मतलब जिस बात का मुझे डर था वो सब कुछ हो रहा था और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो एकदम से नया मानवी भागते हुए आती है और कहती है आप यहाँ पे क्या हो गया, सब ठीक है ना? मैं कहती हूँ ऐसे बिहेव मत करो, नॉर्मल बिहेव करो प्लीज़, तुम्हारे पापा को नहीं तो डाउट हो जाएगा कि मैं यहाँ आरू के लिए आई हूँ। तब तक उसके पापा एकदम से नीचे आते हैं जल्दी से, इससे पहले मैं मानवी से कुछ कह पाती वो नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा आपको कॉलेज के बारे में कुछ बात करनी थी ना, कर लीजिए, आ गई है। मैं कहती हूँ जी अंकल कर रही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ पापा कॉलेज के बारे में कुछ बात करने आई थी, कॉलेज में कोई असाइनमेंट चल रहा है तो उसी के बारे में। तो कहते हैं अच्छा अच्छा कर लो बात कर लो, ऐसे बोल देते हैं। और उसके बाद वो वहीं इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। अब मैं कुछ कहूँ तो कैसे कहूँ, थोड़ी देर में किसी का फ़ोन आता है तो वो बात करने लगते हैं और निगाह उनकी मेरी तरफ ही रहती है। तो मानवी कहती है कि आरू ठीक है ना? मैं कहती हूँ कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन तुम्हारे पापा एक मिनट को भी पीछा नहीं छोड़ रहे यार, क्या इंसान है। तो कहते हैं कि पता नहीं पापा को क्या हो गया है, अच्छा आप मुझे बता दो, मैं धीरे से बता दूँ जैसे हम ये बात कर रहे हैं वैसे वो बात भी हो ही जाएगी। मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पापा मुझे ही देख रहे हैं और मुझे डर लग रहा है सीरियसली। कहती है आप कब से इतना डरने लगे? कहती है क्यों इंसान नहीं हूँ मैं कब से इतना डरने लगी, इंसान डरते हैं भाई। तो कहती है तो आप बताएंगे या नहीं? मैं कहती हूँ वो तुम्हारे पापा ने आरू को जो है ना, तब तक उसके पापा मेरे पास आ जाते हैं। कहते हैं हाँ क्या कुछ कह रही थी, तुमने किसी का नाम लिया शायद? मैं कहती हूँ नहीं मैं तो इनसे कह रही थी। तो कहते हैं कि हो गया झूठ ख़त्म या अभी और बाकी है? मैं कहती हूँ क्या मतलब अंकल? तो कहते हैं कि क्या चाह रहे हो, उस आरू के साथ साथ तुम्हारे साथ भी वही करूँ जो आरू के साथ किया था? तो मानवी कहती है एक सेकंड क्या किया आपने आरू के साथ, क्या किया? तो उसके पापा खुद ही अपना भांडा फोड़ देते हैं। ये अच्छी बात होती है, मुझे एक्सपोज करने के चक्कर में वो खुद ही अपना भांडा फोड़ के रख देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं। तो मैं कहती हूँ जब आपने मेरा सब कुछ सामने लाने का फैसला कर ही लिया है तो फिर सही से करते हैं ना। एक्चुअली मानवी तुम्हारे पापा ने आरू को जेल करा दिया यहाँ पे चोरी के इल्ज़ाम में और ख़ुद पे हमला करने के इल्ज़ाम में, ठीक है, कि आरू ने इनको मारा पीटा और इस घर से चोरी की है, वो परसों से जेल में है।
तो कहती है कि व्हाट, कहती हूँ हाँ, कहते हैं पापा आपने, पापा आपको क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको ये सब करके, मेरे को सीरियसली नहीं समझ में आ रहा आप क्या होते जा रहे हो। तो कहते हैं मैंने वही किया जो एक बाप को करना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, और किसी को भी जस्टिफिकेशन देने के लिए बाध्य नहीं हूँ मैं। तो कहते हैं कि ठीक है आपने जो किया बहुत अच्छा किया, अब मैं जो करूँगी आप मुझे करने से रोक नहीं सकते हो, किसी हालत में नहीं रोक सकते हो। तो कहती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से आरू को छुड़वाने के लिए और देखती हूँ कि कौन मुझे रोकता है, ये कह के वो मेरे साथ कहती है कि चलिए आयुषी बस बहुत हो गया और नहीं, जितना करना था पापा को पापा ने कर लिया। अब तक मैं शांत बैठी थी, मुझे लगा सब वक्त के साथ सही हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ सही होने वाला है, तो अब फैसला हमें ही लेना पड़ेगा, चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो हम वहाँ से उठने लगते हैं तो उसके पापा हंसते हैं और कहते हैं जाइए शौक से जाइए, मानवी बेटा अगर तुम यहाँ से एक कदम भी तुमने बाहर निकाला तो मैं आरू के साथ साथ इन मैडम को भी पहुँचा दूँगा ससुराल में, ये याद रखना, मतलब वो तो जेल बोलते हैं, मेरे मुंह से ससुराल निकल गया तो भाई मेरी तो लग जाती है अच्छे से, फिर भी हिम्मत बांधती हूँ और चुप खड़ी रहती हूँ वहाँ। तो मानवी कहती है कि करवाइए आपको जो करना है, मैं भी देखती हूँ कौन इन लोगों को जेल तक पहुँचाता है, आपकी बेटी हूँ मैं, आपने अभी अच्छे से मुझे जाना नहीं है शायद, अब जान जाएंगे, आप ही का खून मेरे रगों में भी दौड़ता है किसी और का नहीं, समझ में आया आपको, नहीं नहीं आपको तो आएगा नहीं ना समझ में, कैसे आएगा आपको समझ में, आपको तो आ ही नहीं सकता कभी कुछ समझ में, आपको तो खाली पैसा समझ में आता है, पैसे के बलबूते पे आपने उसको जेल करा दी जिसकी कोई गलती नहीं, वाओ क्या बात है पापा, आप इतना डरते हो आरू से, इससे ये तो साबित हो गया कि आपको आरू से बहुत डर है, कि आपने उसे झूठे इल्ज़ाम में जेल में पहुंचा दिया, चलिए अब उसको छुड़ाने का काम मैं करूंगी, और इनके खिलाफ आप कुछ करने को कह रहे थे करके दिखाइए, मैं भी यही हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं, जब आपने जंग छेड़ी दी है तो अब जंग सही से लड़ी जाएगी पापा जी, वैसे बोलती है। तो उसके पापा कहते हैं कि मतलब तुम एक लड़की के लिए मेरे खिलाफ जाओगी, कहती है वो एक लड़की नहीं है बस प्यार है वो मेरा, जिंदगी है वो मेरी, आप लोगों ने तो मुझे अकेला छोड़ रखा था, वो जब से मेरी ज़िंदगी में आई है ना ज़िंदगी का रंग बदल दिया है, ज़िंदगी क्या होती है ना उन्होंने समझाया है, आप क्या जानो। और ये कह के वो कहती है चलिए यहाँ पे खड़े रह के कुछ नहीं होने वाला, और आरू जेल में अब नहीं रहेगी। उसके पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं ज़ोर से, और मानवी जो है अपना हाथ एकदम से झटकती है और कहती है डोंट यू डेयर पापा, डोंट यू डेयर, मैं वो कर जाऊंगी जो मैं करना नहीं चाहती हूँ, सो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए प्लीज़। और उसके पापा कहते हैं कि तुमने यहाँ आके सही नहीं किया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तो मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाती हूँ, हालत तो ख़राब थी अंदर से, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि ठीक है भैया आपकी मर्ज़ी है आप कुछ भी कर सकते हैं, हम तो आपको रोक नहीं सकते, तो आपके दिल में जो आए आप कीजिए, लेकिन अपने दोस्त को ऐसे हालत में तो मैं भी नहीं छोड़ सकती,
आपके दिल में जो आ जाए वो आप कीजिए, एक बाप होने की हैसियत से। लेकिन अंकल जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आपकी बेटी किसी के लिए इस हद तक जा रही है तो उस इंसान से एक बार मिलने में कुछ चाहता नहीं आपका। मैं आपका कंसर्न आपके बेटी के लिए समझ सकती हूँ, बट आपको भी उसकी फीलिंग्स को एक बार कंसीडर करना चाहिए, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये कह के मैं भी वहाँ से चली आती हूँ। अब दिमाग तो फटा जा रहा था, किसके पापा क्या कर दें मेरे साथ, कुछ पता नहीं था। क्योंकि भाई पैसे वाले थे, सब कुछ था, दूसरी तरफ ये भी ख्याल आ रहा था अगर मेरी माँ को पता चल गया इन सब के बारे में तो वो तो मेरी वाट लगा देंगी। अब ये सब सोच सोच के दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सिचुएशन को टैकल किया जाए। दिमाग में बस बहुत सारी चीज़ें घूम रही थी। बाहर आते हैं किसी तरीके से और मानवी कहती है पैदल ऑटो कर लेते हैं। मैं कहती हूँ ऑटो ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ारा गाड़ी लेके आई है, तुम चलो बस। कहती है कि ज़ारा भी आई है? मैं कहती हूँ हाँ, तुम बाहर तो चलो। तो हम लोग बाहर जाते हैं, तो अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, है ना। तब तक आप लोग इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, सबा खैर, राम राम, शुभ रात्रि। जिसको जो लेना है, जिसको जो पसंद है वो ले सकता है। बाय बाय।